हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सत्यदीपन और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी 64 बिट। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि फ़ोन में पहले से ऐप रहते हैं जिसको हम प्री इंस्टॉल्ड ऐप कहते हैं, और फिर ब्लोटवेयर जो कि कंपनी के तरफ से दिए गए ऐप होते हैं जो कि आप कभी भी अपने रेगुलर लाइफ में आप कभी यूज़ भी नहीं करते हैं, और फिर वो आपके मेमोरी से मतलब आपके इंटरनल एसडी कार्ड से वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखता है, जिसके बाद आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आपको तकलीफ़ होती है और फिर वो इनसफिशेंट मेमोरी बताता है सिस्टम। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक ठो उपाय है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं विथ रूटेड मेथड। तो दोस्तों, इसके लिए हमको दो ठो रूट ऐप चाहिए जो कि किंग रूट है पहला वाला, दूसरा है टाइटेनियम बैकअप। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरा डिवाइस किटकैट है, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा किटकैट है माइक्रोमैक्स का। और दोस्तों, ये देखिए मेरा जो ऐप्स होते हैं ये कितना GB ऑक्यूपाई कर चुके। ये देखिए दोस्तों, 1.1 GB यूज्ड है और फिर 2.6 MB फ्री, मतलब 5-6 ऐप इंस्टॉल किया हूँ खुद, तो इसके बाद 206 MB फ्री है। मतलब पूरा सिस्टम पूरा अभी फुली लोडेड है, मतलब कोई काम का चीज़ नहीं है इसमें। तो इसको कैसे हम अनइंस्टॉल करेंगे, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले हमको क्या किंग रूट डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किंग रूट .net में। तो हम किंग रूट में जाएंगे, जाने के बाद देखिए दोस्तों, लेफ्ट में क्लिक करना है हमको। यहाँ पे देखिए रूट सक्सेसफुली। दोस्तों, ये हमारा डिवाइस पहले से ही रूटेड है क्योंकि बिना रूट किए यहाँ पे किटकैट डिवाइस में आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग, इसीलिए ये पहले से ही रूटेड है। तो दोस्तों, इसके बाद हमको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके हमको डाउनलोड करना पड़ेगा टाइटेनियम बैकअप। हमको टाइप करना है टाइटानियम, ये देखिए दोस्तों, टाइटेनियम बैकअप रूट मेथड रूट नीडर लिख रहा है यहाँ पे। इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे हम ओपन। ये देखिए आस्किंग फॉर रूट राइट्स लिखा है, ये देखिए इसको अलाउ करना है, रूट ग्रांट हो चुका है। तो दोस्तों, ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, इसको अनइंस्टॉल करने के टाइम आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत चीज़ अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अपने फ़ोन के प्ले स्टोर हैं, प्ले स्टोर को आप अगर अनइंस्टॉल कर दिए, एक बार डिलीट कर दिए, तो फिर आप किसी भी फ़ोन का प्ले स्टोर लेंगे तो नहीं चलेगा फ़ोन में। किन किन फ़ोन में चलता है, कुछ कुछ फ़ोन में, लेकिन कुछ कुछ में नहीं चलता है। तो वैसे ये देखिए फोर डायलर, इसको अगर हम डिलीट कर दिए तो ये भी प्रॉब्लम दिखाएगा, पूरा प्रॉब्लम शो करेगा। तो दोस्तों, तो पहले चलिए मैं आपको और एक तो चीज़ दिखाऊंगा, सेटिंग पे जाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा एप्लीकेशन डिलीटेबल नहीं है। ये देखिए यूट्यूब में मैं जाऊँगा, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फोर स्टॉप अनइंस्टॉल अपडेट्स डिसेबल। तो अपडेट को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अनइंस्टॉल फिनिश्ड, ये देखिए दोस्तों, फोर स्टॉप डिसेबल है यूट्यूब का। और तो एक तो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों, बिग फ्लिक्स, यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा है लेकिन ये अनइंस्टॉल होगा नहीं। इसको फोर डिवाइस को आप रिस्टोर करेंगे, हार्ड रिसेट करेंगे, ये फिर से आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब एसडी कार्ड रनिंग ऑल एप्लीकेशंस में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये क्या है, 3D लोटस, ये भी देखिए 1.2 GB, यहाँ पे देखिए फोर स्टॉप डिसेबल, ठीक है, ये भी आपको अनइंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और क्या है यहाँ पे, ये देखिए क्रोम, दोस्तों ये बहुत पुराना क्रोम है, 40 KB, फिर भी ये ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती रही, फोर स्टॉप डिसेबल। तो दोस्तों, इन सारे ऐप्स को अभी हमको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है, चलिए टाइटेनियम बैकअप पे। तो पहले हम क्या करेंगे, यूट्यूब को
अनइंस्टॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यूट्यूब कहाँ पे है ये देखिए, यूट्यूब इसको क्लिक कीजिए, ऊपर दिए रेड अनइंस्टॉल, यस अनइंस्टॉल, एक यूट्यूब अनइंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए यूट्यूब अनइंस्टॉल हो चुका है। मेनू में जाते हैं, ये देखिए दोस्तों यूट्यूब नहीं है यहाँ पे, तो प्ले स्टोर में जाएंगे, फिर यहाँ पे हमको सर्च करना है कि यूट्यूब है कि नहीं इसमें, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा आपको, ये देखिए इंस्टॉल दिखा रहा है यूट्यूब, मतलब कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों एक और चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए गूगल का जो है पुराना गूगल ब्राउज़र है, इसको अनइंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। गूगल गूगल गूगल, ये अल्फाबेटिकल में चलता है, तो ये देखिए दोस्तों गूगल सर्च, अनइंस्टॉल गूगल सर्च, यस अनइंस्टॉल, ये अनइंस्टॉल हो चुका है। फिर से जाएंगे प्ले स्टोर में, यहाँ पे टाइप करना है गूगल, मेरा चार्ज भी पूरा ख़त्म होने वाला है, देखिए गूगल सर्च, ये देखिए दोस्तों ये गूगल का आ गया नया वाला इंस्टॉल दिखा रहा है आपको। फिर से और एक ठो मैं डाउनलोड करूँगा, सॉरी अनइंस्टॉल करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा वाला कौन सा, ये देखिए दोस्तों जीमेल, प्राइमरी जीमेल है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको ये टाइटेनियम में करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों जीमेल है ये अनइंस्टॉल, ये देखिए यस जीमेल अनइंस्टॉल हो रहा है, ये जीमेल अनइंस्टॉल हो गया। अभी चलिए प्ले स्टोर में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जीमेल, ये देखिए दोस्तों फुल्ली अपडेटेड जीमेल एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल दिखा रहा है, अपडेट या फिर ओपन नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों टाइटेनियम बैकअप काम करता है, इसमें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्लूटवेयर को। और मेरा मेमोरी आपको दिखाऊंगा ऐप्स में जाने के बाद, ये देखिए दोस्तों 2.75 MB फ्री, 1.0 GB यूज्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपको और 280 पहले 2.7 था, 280 मतलब 80 MB मेरा फ्री हुआ है अभी। और किसको, ये देखिए दोस्तों ये मैप भी पुराना हो चुका है, इस मैप को भी उड़ा देंगे हम, अनइंस्टॉल करेंगे मैप, मैप गूगल मैप, ये देखिए दोस्तों मैप 7.7.0, इसको करते हैं अनइंस्टॉल। दोस्तों फिर से जाएंगे सेटिंग पे, ये देखिए दोस्तों 2.80 1.0, और यहाँ पे देखिए माई डूडल या माई, इसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे। और ये देखिए माई डूडल, इसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे। अभी देखिए दोस्तों 2.80, लेकिन ये खाली हो, पूरा खाली हो चुका है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है तो आप इसमें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ये वीडियो, कैसा लगा इसको एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये
किटकैट यूज़रों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि किटकैट का जो वर्जन का फ़ोन है उसमें इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से सबको स्टोरेज इनसफिशिएंट जो दिखाई देता है हर वक्त एप्लीकेशन डाउनलोड करने के टाइम। तो ये किटकैट यूज़रों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक्नोलॉजी 64 बिट।